नमस्कार, नौकरशाही मीडिया के YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में बाढ़ की तबाही का जो मंजर सामने आ रहा है उससे देख करके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। बिहार के 12 से 13 जिलों में बाढ़ का प्रकोप जारी है और हालत ये हो गई है कि लगभग 50 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। लोग सड़कों पर जीवन बिता रहे हैं, बहुत मुश्किल से उन्हें खाना पानी मिल रहा है और जैसे जैसे बाढ़ की तबाही बढ़ रही है उससे कई तरह की बीमारियों की आशंका भी है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से मकान ताश के पत्तों की तरह ढह रहा है। और हालत यह है कि लोगों का जीवन जोखिम में है। इस बीच यह भी सही है कि राज्य सरकार लगातार अपनी तरफ से बचाव और राहत कार्य में लगी है, लेकिन ये बचाव काफी नहीं हो रहे हैं। आप बाढ़ का जो भयावह मंजर है उसे आप देख सकते हैं। जानवर, इंसान, बच्चे, बूढ़े, तमाम लोगों की जान आफत में है। ये हालत बिहार की है। आइए इन तस्वीरों को देखते हैं और महसूस करते हैं कि बिहार में जो बाढ़ आई है उसका प्रकोप किस स्तर का है। को बताएं कि बिहार का उत्तरी इलाका और उत्तर पूर्व का इलाका जो गंगा की सहायक नदियां और कोसी की सहायक नदियां हैं वह लगातार उफान मार रही हैं। जलस्तर इतना बढ़ रहा है कि लोग सड़कों पे पनाह लेने को मजबूर हैं। दूसरी तरफ सबसे परेशानी की बात यह है कि आम तौर पे बाढ़ का प्रकोप उत्तर और उत्तर पूर्व के बिहार के इलाकों में अगस्त के महीना में आती है, लेकिन इस बार जुलाई आधा भी नहीं बीता है कि बाढ़ आ गई है और इससे कयास लगाया जा सकता है कि बाढ़ की स्थिति इस बार लंबा खींचेगी और जाहिर है कि इसे जनजीवन पे असर पड़ेगा। अभी तक जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उससे ये पता चला है कि 80 से 90 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी हाल ही में मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से 100 बच्चों की मौत हुई थी और अब बाढ़ का प्रकोप एक प्राकृतिक आपदा के रूप में सामने